जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल टॉक में। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन भी हो खुशहाल, तो सच्ची आत्मा से हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। करवा चौथ 2023 तिथि और समय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सरगी। करवा चौथ 2023 एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक बार और दिवाली से 10 दिन पहले आता है। इस दिन को विवाहित महिलाएं चांद निकलने तक व्रत रखकर मनाती हैं। अब लोग करवा चौथ तिथि और समय 2023 की तलाश कर रहे हैं। करवा चौथ 2023 भारत में 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। दिन की शुरुआत करवा चौथ सरगी 2023, फिर करवा चौथ 2023 पूजा विधि और करवा चौथ 2023 चंद्रमा से होती है। इसलिए इस लेख में हम वह सारी जानकारी लेकर आए हैं जिसका लोगों को करवा चौथ 2023 की तारीख और समय और पूजा विधि और अन्य विवरण का इंतजार था। करवा चौथ 2023 तिथि और समय। करवा चौथ, जिसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में उत्तर और पश्चिम भारत में मनाया जाता है। अन्य हिंदू त्योहारों की तरह यह त्योहार भी हिंदू कैलेंडर या पंचांग पर आधारित है, जिसमें खगोलीय स्थिति का विवरण है। सबसे खास है करवा चौथ 2023 तिथि और समय के साथ चंद्रमा की स्थिति। ये दिन पूर्णिमा के चौथे दिन मनाया जाता है क्योंकि चतुर्थी महीने का चौथा दिन होता है। ये दिन कृष्ण पक्ष के चौथे दिन भी पड़ता है और इसमें कारक का अर्थ है मिट्टी का पानी का बर्तन और चतुर्थी चंद्र हिंदू चंद्रमा का चौथा दिन है। इस दिन पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और धन की कामना करती हैं। सैन्य कर्मियों की पत्नियां अपने पतियों के सुरक्षित उनके मूल स्थान पर लौटने के लिए प्रार्थना करती हैं। इस करा का चतुर्थी महोत्सव 2023 का मुख्य हिस्सा करवा है, जो एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें गेहूं जमा किया जाता है और फिर पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं दोनों अपने पति की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सूर्योदय या भोर से चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, MP, UP, HP और कई अन्य राज्यों में मनाया जाता है। करवा चौथ 2023 सरगी का समय। महिलाओं के दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले भोजन करने से होती है और उसके बाद वे न तो खाना खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। फिर लगभग 4 या 5 बजे महिलाएं एक समूह बनाती हैं और वे करवा चौथ 2023 पूजा विधि करती हैं, जहां वे पूजा की थाली तैयार करती हैं और उन्हें दूसरों के बीच वितरित करती हैं और फिर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती हैं। चंद्रोदय के समय महिलाएं चंद्रमा को जल देकर अर्घ्य देती हैं और अपने पति का चेहरा देखने के बाद पहले पानी पीती हैं और फिर भोजन करती हैं। अब लेख में हमने उस दिन की पूरी तैयारियों की विस्तृत जानकारी तैयार की है। इस दिन को मनाने के लिए महिलाएं नए कपड़े, खासकर लाल रंग की चूड़ियां पहनती हैं और श्रृंगार करती हैं। करवा चौथ 2023 अनुष्ठान। त्योहार की शुरुआत उन उत्सवों से होती है जो मुख्य दिन से कम एक सप्ताह पहले होते हैं। इस दिन के लिए महिलाएं श्रृंगार सामग्री, आभूषण, पूजा सामग्री, करवा, मठियां खरीदती हैं। इस दिन से पहले महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और उसमें अपने पतियों का नाम लिखती हैं। स्थानीय बाजार करवा चौथ से जुड़ी चीजों से सजे हुए हैं और अक्सर महिलाएं इन चीजों को खरीदने के लिए त्योहार से एक दिन पहले बाजार जाती हैं। करवा चौथ 2023 के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठेंगी और सरगी के रूप में दूध या चाय के साथ फेनी खाएंगी और यह आम तौर पर उनकी सांस द्वारा उन्हें दी जाती है। अगर कोई महिला अपनी सांस से दूर रहती है तो वह सुबह का खाना खुद ही बनाती है। फिर महिलाएं सबसे अच्छा दिखने के लिए साड़ी या लहंगा पहनती हैं। उपवास आम तौर पर भोर से शुरू होता है और कर्क चतुर्थी पूजा समय 2023 में चंद्रोदय पर प्रार्थना करने के बाद समाप्त होता है। करवा चौथ 2023 पूजा विधि। अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले सूरज उगने से पहले घूंट करें और फिर सरगी का सेवन करें। फिर नाकर नया और साफ कपड़ों का धारण करें, ईश्वर का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। अपने घर की दीवार पर करवा माता का मंदिर बनाएं, एक चीनी मिट्टी के बर्तन और उस पर लाल कपड़ा अप्लाई कर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना करें। एक साफ थाली ले और नारियल, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई को रखे करवा में। जल या फेर कनक को भर के राखे माँ पार्वती को 16वीं शताब्दी में निर्विकार करे और फिर पूजा करे। करवा चौथ के व्रत की कथा करे, अन्यथा उसका ये व्रत पूरा नहीं होगा चांद के निशान के बाद।
एक चांदी में स्थित चांद और उसके चंद्रमा को देखें। इसके बाद अपने व्रत को पूरा विराम दें। करवा चौथ सर्गी 2023। दिन की शुरुआत को सर्गी की चाहत होती है और प्रिय सूर्य उगने से पहले होती है। कहानी बिनाए ना हुए एक सास अपनी बहू के लिए सर्गी फ्लोरियम वो फैनी को जरूर लिखें। कई लोग फैनी के साथ चाय पीते हैं या फिर ब्रेड भी कहते हैं। सुबह सर्गी में मिठाई की कहानी बहुत जरूरी है। अगर कोई सास अपनी सास से दूर रहती है तो वो खुद ही बहू के लिए सर्गी बनाती है, और अगर कोई सास अपनी सास से दूर रहती है तो वो खुद ही बहू के लिए सर्गी बनाती है। करवा चौथ 2023 शुभ मुहूर्त। कर्क चतुर्थी 2023 सुबह 6:36 से शुरू होगी और सभी व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी करवा चौथ सर्गी 2023 सुबह 6:36 से पहले खानी होगी। फिर महिलाएं तैयार हो जाएं और अपना दूसरा काम कर लें। बाद में लगभग 5:30 प्रत्येक महिला अपनी पूजा की थाली तैयार करेगी और अपने दोस्तों या परिवार के साथ उत्सव मना सकती है। शाम 5:44 करवा चौथ 2023 व्रत कथा का सटीक मुहूर्त शुरू होगा और चंद्रोदय के लिए अपेक्षित करक चतुर्थी पूजा समय 2023 रात 8:36 है, जब महिलाएं चंद्रमा के लिए करवा चौथ 2023 पूजा विधि कर सकती हैं और खोल सकती हैं उनका उपवास। पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत तो जान लीजिए इससे जुड़े सभी जरूरी नियम। करवा चौथ हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल ये तिथि 1 नवंबर को पड़ रही है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने से पत्नियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सर्गी खाकर होती है। दिन निकलने से पहले महिलाएं सुबह सर्गी खाती हैं और उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती है। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत काफी कठिन माना जाता है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो जान लीजिए इससे जुड़े हर जरूरी नियम क्या हैं। करवा चौथ से जुड़े जरूरी नियम। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन लाल रंग का खास महत्व होता है, इसलिए भूलकर भी इस दिन काले और सफेद रंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये व्रत केवल वहीं स्त्रियां रख सकती हैं जिनका विवाह हो गया हो या तय हो गया हो। करवा चौथ का व्रत रात को चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। इस दौरान पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते। करवा चौथ के दौरान 16 श्रृंगार का काफी महत्व है। शाम को पूजा के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। करवा चौथ की सर्गी सास बहू को देती है, वहीं बहू शाम को पूजा के बाद सास को बायना देती है। रात को चंद्रोदय होने के बाद पत्नियां चंद्र को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती हैं। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है, फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूलकर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आशीर्वाद जरूर लें। करवा चौथ के दिन रात में ये काम करना जरूरी है। चंद्रमा की पूजा करना और अर्घ्य देना व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, बड़े बुजुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना। करवा चौथ के दिन कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे पति से झगड़ा करना, अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को देना या किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लेना, सफेद चीजों का दान करना। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना जरूरी माना गया है। इस दिन सर्गी की प्रथा का पालन किया जाता है। महिलाएं सर्गी में मिला हुआ भोजन खाती हैं और ढेर सारा पानी पीती हैं। इसके बाद भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। करवा चौथ का व्रत 12-15 घंटे तक चलता है।
यह व्रत चंद्रमा निकलने पर ही समाप्त होता है, आम तौर पर बिना पानी पिए भी। करवा चौथ के दिन रात में दलिया या मूंग की दाल की खिचड़ी खाई जा सकती है। इसके अलावा ये चीजें भी खाई जा सकती हैं, दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर, छाछ, शेक सूखे मेवे, रसगुल्ला, रसमलाई या सेवई। व्रत के दौरान ज्यादा मीठा खाने से बचना चाहिए। व्रत खोलने के बाद ये चीजें नहीं खानी चाहिए। मसालेदार भोजन, प्रोसेस्ड फूड, कॉफी और चाय, प्याज और लहसुन से बने खाने करवा चौथ के दिन सर्गी सूर्योदय से पहले खाई जाती है। आम तौर पर महिलाएं सुबह 4 से 5 बजे के बीच सर्गी खाती हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सुबह 5 बजे से पहले सर्गी खा लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सर्गी ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आप अपने क्षेत्र के किसी पंडित से ब्रह्म मुहूर्त का सही समय जान सकते हैं। सर्गी सास द्वारा दी जाती है। कई परिवारों में जब सास न हो तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं जैसे बड़ी ननद या जेठानी भी सर्गी देती है। सर्गी थाली में सुहाग की चीजों के साथ ही मिठाइयां, फल, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें होती हैं। करवा चौथ पर भूल कर भी न करें ये काम, नहीं मिलेगा पूजा का फल। देर तक न सोएं, करवा चौथ के दिन देर तक न सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। सर्गी के अलावा और कुछ न खाएं। सास की दी गई सर्गी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयां, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सर्गी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। भूरे और काले रंग के कपड़े न पहने। लाल रंग पहले क्योंकि वो प्यार का प्रतीक माना जाता है। पति से न करें झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा।